गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास अपनी यूकेजी में हमारा सब्जेक्ट विषय क्या है, हिंदी। ओके, तो आज हम हिंदी में जो है आप लोगों को बताया गया कि आ से अह तक के जो वर्ण अक्षर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके, और आज हम लोग उन स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा था ना, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, जिसमें स्वर स्वर अक्षर इसमें क्या था, आ मात्रा वाले जो शब्द है उनको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, क्या कंप्लीट करेंगे? आईटी मात्रा वाले शब्दों को। ओके, जिसमें आपको सबसे पहले तो चित्र दिए गए हैं। Thank you.
आपको यहाँ पर आपको चित्र देखकर आपको क्या करना है, नाम पहले समझना है। ओके, क्या करना है, नाम समझना है। इसके बाद इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक लोग है चित्र नजर आ रहे होंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इन चित्रों के नाम बताने हैं। और भी आप चित्र देख लीजिए, जैसे क्या आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, मैदान जहां पर हम खेलने जाते हैं। ओके, अब आपको चित्र देखकर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नाम बताना है। सबसे पहले आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आई की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले आपको ये जो चित्र नजर आ रहा है ये किस चीज का है, ये है पैर। किसका है, पैर, पायर, पैर। ओके, इसके बाद ये किस चीज का चित्र है, थैला। किसका है, थैला। ओके, ये किसका है, पैसा, पैसा। ओके, इसके बाद है ये क्या है, खपरेल। ये क्या है, खपरेल, खपरेल। ओके, इसके बाद ये क्या है, मैदान। अभी आपको समझाते हैं मैदान। ओके, अब सबसे पहले
हाथा लगाते हैं, सॉरी हाय की हाथा लगाते हैं उसका उच्चारण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या सीखना है, आई की जो मात्रा है जब हम उसको व्यंजन अक्षरों पर लगाकर उसका उच्चारण कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि आई की मात्रा को जब हम व्यंजन अक्षर पर लगाते हैं तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं, मतलब बोलते कैसे हैं। जैसे अब आप जब हम आई की मात्रा को लगाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, सिखाया
आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जो वर्ण हमें टूटे हुए हैं, बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, इनको हमने जोड़ कर लिख दिया। क्या कर दिया? इनको हमने जोड़ कर लिख दिया। ओके, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है, पढ़िए। अब क्या करना है आपको? ऐसी मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना है। क्या करना है? अब आपको पढ़ना है, पढ़िए। अब आपको पढ़ना सीखना है, पढ़िए। ओके, सबसे पहले है, हमने करा ना। मारी नहीं हो रहा है, वो पहले से ही जा रहा है। पर्चे माफ करे कैसे ना कांग्रेस वाले। हेलो, इसके बाद पर्चे माफ करे कैसे? अब आपको क्या करना है? ओके, पढ़ना है। वही लागत है कि एक साथ मिली जुली सरकार न बन जाए, कांग्रेस और एक सपा। अब आपको क्या करना है? रीड करना सीखना है। अब हम जो है ऐसी मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, माँ का जब ए और आई आपको अंदर समझ में आया ना, तो मैं लव क्या हुआ? मैं बाहर आई की मात्रा है, बैर देखेंगे। एस डब्ल्यू में क्या है?
लिखना है, ओके। आपको अपनी नोटबुक में इनको कंप्लीट करना है, ओके। इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद जैसे आपके ये हैं दो अक्षर वाले शब्द, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे, आई की मात्रा वाले, फिर चार अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे, आई की मात्रा वाले शब्द। ऐसे हम लोग अपने क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आज के लिए आपकी हिंदी सब्जेक्ट की क्लास में इतना ही। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने आई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने चित्र देकर आपने पहले चित्र देख उनके नाम भी लिखा है। इसके बाद आप लोगों ने क्या थे, अक्षर आपको वर्ण जुड़े हुए थे, उनको आपने जोड़कर देखा, ओके। इसके बाद आप लोगों ने दो अक्षर वाले शब्द आए, तीन मात्रा वाले शब्दों को आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आज का आप लोगों का वर्ग क्या है, आज का आप लोगों का जो वर्ग है वो क्या है, आप लोगों को आए की मात्रा वाले जो शब्द है इनको आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और इनको पढ़ना भी है, रीड भी करना है। तो चार हम कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, मीन पढ़ेंगे कैसे, ये आपको सीखना है, ओके। तो आपको क्या करना है, आज आप लोगों को ऐसी मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी है, ये आपका वर्क है, ओके।